नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 का हल प्रश्न पत्र, और इसका ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। पार्ट टू वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 11 से लेके प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। वैसे तो ये 2023 के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र है, लेकिन ये आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखें और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। तो प्रश्न संख्या 11, 2 का घात 1 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 0 बराबर है। तो आइए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। तो 2 का घात 1 गुना 5 का घात 2 गुना 7 का घात 0 बराबर 2 का घात 1 यानी 2, 5 का घात 2 यानी 25, और 7 का घात 0 तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 50। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब प्रश्न संख्या 12 देखिए। यदि 2 टू द पावर x+3 इक्वल टू 2 है तो x का मान होगा। तो आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। इसे भी 2 टू द पावर x+3 इक्वल टू 2, 2 यानी 2 का घात 1। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आधार है बायां पक्ष में और दायां पक्ष में दोनों में एक ही है, यानी 2 है। जब आधार एक है और ये बराबर का चिन्ह है बीच में, इसका अर्थ है कि ये क्या बताता है कि इसका जो पावर है यानी घातांक है वो भी इक्वल है। तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1, और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 13। यदि x का बराबर 1 और y इक्वल टू -2 तो x² + y² का मान होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। x² + y² इक्वल टू, हम मान बैठा देते हैं, x का मान है 1 और ये पावर है 2, और y का मान यहां दिया हुआ है -2, -2 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस तरह से 1 + 4 हो गया 5। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 14। x² - x+1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है? तो देखिए, पद हम लोग किस तरह गिनते हैं। ये जो प्लस और माइनस है इससे ये पद अलग है, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से हम गिनते हैं, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इस तरह से इसमें कितने पद हैं? ये 3 पद है, तो इसे हम कहेंगे त्रिपदी। प्रश्न संख्या 15। 5m² - 4m² + 11m² बराबर है। तो इसे हल करके देखना होगा। फाइव
एम स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस 11 एम स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर, और ये प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस हो जाता है माइनस 4 एम स्क्वायर प्लस 11 एम स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए जो प्लस वाले जो पॉजिटिव जो पद है ये और ये इनको जोड़ते हैं तो 11 और 5 सॉरी 5 और 11 ये हो गया 16 एम स्क्वायर और ये है माइनस 4 एम स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 12 एम स्क्वायर। तो ये कौन सा है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 16 ये तो बहुत ही आसान है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का एक्स बराबर 2 रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का सही मान होगा तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये स्क्वायर है इसे फिर से मिटा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स का मान हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 17 किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है वह संख्या होगी। यह प्रश्न समीकरण से है तो किसी संख्या के दुगने में तो यह जो संख्या है ना इसको हम मान लेते हैं x तो जैसे जैसे यहां कहा गया है उस तरह से हम समीकरण का निर्माण करते हैं किसी संख्या के दुगने में तो संख्या हम मान लिए x तो इसका दुगना करते हैं दुगने में 8 जोड़ने पर 8 जोड़ दिए हो जाता है कितना प्राप्त होता है 32। तो आइए अब ये समीकरण मिल गया इसको हल करते हैं और x का मान निकालते हैं तो ये हो गया 2x इक्वल टू 32 घटाओ 8 तो 32 से जब 8 घटाते हैं तो ये आता है कितना 24 है ना तो x बराबर हो गया 24 बटा 2 यानी 12 तो इस तरह से ये आंसर हमारा आया 12। क्वेश्चन नंबर 18 यदि p बाई 7 इक्वल टू 24 तो p का मान होगा तो ये भी समीकरण है बहुत ही आसान है ये p बाई 7 इक्वल टू 24 या p को हम इधर ही छोड़ दे रहे हैं तो इस तरफ क्या हो जाएगा दाहिने तरफ 24 गुना 7 और 24 को 7 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 और 2 16 168 ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया है अगर बट्टा 3% हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा तो बट्टा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट इस सबसे तो आप बहुत परिचित हैं दूसरा शब्द इसके लिए है छूट तो इसमें जो अंकित मूल्य है यानी उसमें जो लिखा गया है वो मूल्य है 4,500 और उस पर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है बट्टा दिया जाता है अर्थात डिस्काउंट दिया जाता है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा तो पहले तो हम बट्टा निकालेंगे कि बट्टा कितना है
यह वास्तविक बट्टा हम निकाल रहे हैं, प्रतिशत में तो दिया हुआ है, तो बट्टा है 4500 का 30%, तो इसका टू हो जा रहा है ये 4500 गुना 30/100। तो ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य कट गया, तो ये कितना आ गया, देखिए 3 5 15 का 5, हाथ में 1 3 6 12 और 1 13, 135 रुपया। तो 135 रुपया का छूट मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा 4500 माइनस 135, तो इसको घटाइए, ये 10, ये शून्य है इधर से हासिल लिए, तो 10, 10 से 5 घटा तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, 9 से 3 घटा तो ये 9 हो गया, 9 से 3 गया तो 6 हो गया, और ये 4, 4 से 1 गया तो 3, सॉरी ये घटाने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं फिर से घटा रहा हूं, अच्छा यहां पर एक गलती हो गई है, देखिए 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 यहां पर एक गलती हो गई है, देखिए हमने 3 से 1 गुना किया था 45 को, तो 135, और ये शून्य तो हमने छोड़ दिया था, तो ये 1350 रुपया है, सॉरी चलिए आप इसको सुधार लीजिए, तो शून्य से शून्य घटा तो शून्य, ये शून्य है इधर से 1 लिए तो 10 हो गया, 10 से 5 तो 5 हो गया, तो अब यहां ये 4 बचा, तो 4 से 3 गया तो 1 हो गया, और ये 4 से 1 गया तो 3 हो गया, तो ये हो गया 3150 रुपया, ये वाला तीसरा नंबर। चलिए यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, आप सुधार लेंगे। अब प्रश्न संख्या 20 है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतस्थ कोण हो सकते हैं, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट टू वीडियो, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों को हल किया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद।